साथ रक्षा बुराटे और आप देख रहे हैं i4U News। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड्स नहीं लगे होंगे, ऐसी दुकानों पर अब बीएमसी सख्त कार्रवाई करेगी। 10 जून के बाद बीएमसी द्वारा ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की जाने वाली है। मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर बोर्ड बड़े मराठी अक्षरों में लिखने के निर्देश बीएमसी ने दिए हैं, जिसकी समय सीमा 31 मई को समाप्त हो गई। लेकिन बीएमसी ने 1 जून से कार्रवाई न करते हुए बोर्ड मराठी में बदलने के लिए दुकानदारों को कुछ और समय दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने दुकानों का बोर्ड मराठी में करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब भी बोर्डों के नाम इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि दुकानदारों को ये आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद बीएमसी कड़ी कार्रवाई करेगी और शुरुआत में बीएमसी के निशाने पर मुंबई की 4.5 लाख दुकानें होंगी, जिनमें शोरूम, स्टोर्स और बड़ी दुकानें भी शामिल होंगी। इसके अलावा बीएमसी ने मुंबई में शराब की दुकानों के बोर्ड पर महापुरुषों या फिर किलो के नाम लिखने पर भी बैन लगाया है। इन दुकानों से भी महापुरुषों एवं किलो के नाम 10 जून तक हटाने होंगे। बीएमसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या मुंबई के दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड्स लगते हैं या फिर नहीं, और क्या दुकानदार बीएमसी के निर्देश का पालन करते हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और आप देखते रहिए i4U News, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।